हेलो दोस्तों, क्रिएटिव क्लास में मैं सारिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम गणेश चतुर्थी की पूजा की विधि के बारे में जानेंगे कि हम गणेश चतुर्थी की पूजा किस तरीके से करें, हम गणेश जी को अपने घर लाकर गणेश चतुर्थी के दिन उनकी पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए। अगर हम खुद से पूजा कर रहे हैं तो उसकी विधि हम इस प्रकार जानेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले आप गणेश चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके शुद्ध कपड़े पहने, हो सके तो आप लाल वस्त्र पहने, क्योंकि लाल वस्त्र बहुत ज़्यादा शुभ होता है आज के दिन पहनना। और पूजन के लिए जो भी आसन है जिस पर आप पूजा करने वाले हैं उसे भी शुद्ध कर ले, यानी कि वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। पूजा करते समय आप पूरब दिशा की तरफ आप अपना मुख करें, यानी कि जब आपका चेहरा पूजन पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए। सबसे पहले पूजन की सामग्री जो भी है उन्हें आप इकट्ठा कर लें। तो पूजन की सामग्री आप नोट कर लीजिए, इस प्रकार से हैं। प्रतिमा, जैसे कि गणपति जिसकी आप पूजा करनी चाहिए पूजा करने वाले हैं उनकी प्रतिमा। उसके बाद स्नान के लिए पात्र, उसके बाद अक्षत। आप अक्षत को थोड़ी अक्षत को पीला कर लें और थोड़े को सफ़ेद ही रहने दें। उसके बाद धूप, दीप, अगरबत्ती, रोली, लाल चंदन, लाल पुष्प, हल्दी, पान का पत्ता, फल, गंगाजल, पंचामृत। और ध्यान रखें पंचामृत में तुलसी पत्ता ना डालें। उसके बाद से नैवेद्य, मोदक, और मोदक देसी घी में ही बनाएं, शुद्ध घी में बनाएं। उसके बाद पूजा की थाली, धूप और धूप की माला। तो ये हो गई पूजन की सामग्री। आप पूजन की सामग्री को एक जगह इकट्ठा कर लें ताकि आपको पूजन करते समय बीच में उठकर जाना ना पड़े। तो आइए अब हम पूजन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप गणपति को जब भी घर में ले आएं तो उन्हें लाल कपड़े से ढककर ही ले आएं, और जब आपको स्थापना करनी हो तभी उनके ऊपर से कपड़ा हटाएं। तो सबसे पहले जिस स्थान पर आप पूजा करने वाले हैं उस स्थान को शुद्ध कर लें, और सर्वप्रथम हाथों में थोड़ा सा जल लेकर चावल और फूल लेकर संकल्प लें। और संकल्प लेने में आप पूजा के दिन का नाम, वर्ष, स्थान, अपना गोत्र और अपना नाम, और उसके बाद अपनी इच्छा बोलें। और उसके बाद जल को ज़मीन पर रख दें और फिर गणपति की मूर्ति पर थोड़ा सा अक्षत छिड़क कर उनसे आग्रह करें कि हे गणपति इस मूर्ति में विराजें। उसके बाद आप गणपति के पैरों के नीचे एक छोटा सा पात्र रखकर उनके पैरों को धोएं, और पूजन करते समय ओम गं गणपतये नमः का जाप करते रहें। उसके बाद उनकी मुख शुद्धि करें, पंचामृत से स्नान कराएं। ध्यान रहे पंचामृत में तुलसी पत्ता ना डालें। पंचामृत हमेशा गाय के दूध से ही बनाएं, तो गाय की दही से ही बनाएं। तो पंचामृत से स्नान कराएं, उसके बाद गंगा जल से छिड़ककर उन्हें दोबारा से स्नान कराएं। उसके बाद मूर्ति को पात्र से निकालकर जो चौकी है जिस पर आप पूजा करने वाले हैं उस पर एक लाल कपड़ा बिछा दें। लाल कपड़ा नया और शुद्ध होना चाहिए, और उस पर बिछा कर गणपति की मूर्ति को उस पर विराजमान कर दें। उसके बाद उन्हें वस्त्र अर्पित करें, उन्हें रोली, लाल चंदन और सिंदूर लगाएं, उसके बाद हल्दी लगाएं, फिर फूल चढ़ाएं, उन्हें लाल फूल चढ़ाएं, नैवेद्य और मोदक चढ़ाएं जो कि उन्हें बहुत प्रिय है मोदक, तो मोदक चढ़ाएं, और उसके बाद फल अर्पित करें, धूप दीप अगरबत्ती जलाएं और गणपति की पूजा करें। उसके बाद उनकी आरती करें, और आरती करने के बाद पूजा में त्रुटि हो गई हो तो पूजा में जो भी त्रुटि हुई हो उसके लिए आप गणपति से क्षमा याचना करें, क्योंकि हम कैसी भी पूजा करें हमसे त्रुटि हो ही जाती है, कोई भी संपूर्ण पूजन नहीं करता है। तो हम हाथों में थोड़ा सा जल और चावल और फूल लेकर उनसे गणपति से क्षमा याचना करेंगे कि हे गणपति अगर हमसे पूजन में हुई त्रुटि के लिए हमें क्षमा करें, तो क्षमा याचना जरूर करें। तो ये थी हमारी पूजन की विधि, हमारी पूजन की विधि समाप्त हुई। इस तरीके से आप आसान विधि से गणपति की पूजा कर सकते हैं। तो कैसी लगी आप सबको हमारी ये पूजा की विधि हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।